तो भाई लोगों, SRK की वन मोर मोस्ट अवेटेड मूवी पठान एंड जवान के बाद डंकी रिलीज हो चुकी है। तो कैसी है ये मूवी, आइए बात करते हैं। वेल हेलो, मेरा नाम है गौरव और आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मुझे नहीं पता कि लास्ट टाइम कब किसी मूवी को देखकर मैं इमोशनल हुआ था और कब हंसा हुआ था। मानना पड़ेगा भाई साहब, राजकुमार ईरानी जी को किस लेवल की थिंकिंग है उस बंदे की। इनकी आप कोई भी मूवी ले लो, चाहे इनकी मुन्ना भाई MBBS ले लो, चाहे इनकी PK ले लो, चाहे इनकी संजू ले लो और चाहे इनकी 3 इडियट ले लो, आप जब भी इन मूवियों को देखोगे हंसोगे जरूर, हर एक सीन को देखकर, और बार बार इमोशन भी हो सकते हो। ऐसे ऐसे इमोशंस अपनी स्टोरी के थ्रू दिखाते हैं और एक्टर के थ्रू इमोशंस निकलवाते हैं कि हर एक सीन उनका जो है कल्ट क्लासिक बन जाता है। और आई एम श्योर कि आप भी इस मूवी को देखने के बाद यही कहोगे कि राजकुमार ईरानी की एक और मूवी आई है जो कि सदाबहार है। मतलब कि आप कभी भी देखो, आप हमेशा इसको एकदम प्रेस पाओगे और अपने आप को देखकर एंटरटेनमेंट करोगे। और हाँ, ये जो मूवी है, पहली जो सारी मूवी है राजकुमार ईरानी जी की, उन सबसे बढ़कर है, एक लेवल आगे है इन टर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। आप इस मूवी में SRK को एक एक्शन हीरो की तरह नहीं देखोगे, आप एक नॉस्टैल्जिक हीरो की तरह देखोगे। ऐसा नहीं कि इस मूवी में एक्शन नहीं है, एक्शन है लेकिन वो मांस मसाला वाला नहीं है जैसा कि आपने पठान एंड जवान में देखा था। और ईरानी जी का ऐसा स्वभाव भी नहीं है, यहाँ उन्होंने एक सिंपल तरीके से इलीगल इमिग्रेशन के टॉपिक को बहुत ही बाम हट के साथ और इमोशंस एंड कॉमेडी के साथ लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। और हाँ, एक और बात, जो लोग ये सोचते हैं कि बाहर जाकर जिन लोगों का जीवन सुखी हो जाता है, पैसा मिलता है, ये आता है वो आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो इस मूवी के जरिए दिखाया गया है कि उन लोगों को क्या क्या काम करने पड़ते हैं। और इसमें जो उनकी इंग्लैंड जाने की जर्नी दिखाई गई है डंकी मारकर, वो काफी अच्छी है। और हाँ, स्पेशली विक्की कौशल के करेक्टर के साथ जो इमोशंस दिखाए गए हैं वो स्पेशली आपको जो है टच कर जाएगा। विक्की कौशल का छोटा सा रोल है लेकिन बेस्ट रोल है। वैसे इस फिल्म का जो टॉपिक है वो रियल टॉपिक है, जो ऐसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनको बाहर जाकर क्या क्या काम करना पड़ता है। मूवी 2 घंटे 40 मिनट की है, मतलब कि अगर आप इंटरवल वगैरह को जोड़कर एटलीस्ट आपको 3 घंटे जो है स्पेंड करने पड़ेंगे इस मूवी को देखने के लिए। इस मूवी का जो फर्स्ट हाफ है उसमें जो है कॉमेडी और ह्यूमर दिखाया गया है, वहीं इसका जो सेकेंड हाफ है वो ह्यूमर के साथ साथ इमोशनल भी कर देता है। जहां बेसिकली इनकी जो है इंग्लैंड जाने की जर्नी दिखाई गई है और इसके जो इंटरवल में एक इमोशनल वाला सीन भी है। और राजकुमार ईरानी जी अपनी मूवी में जो है इमोशनल वाला सीन जरूर डालते हैं, चाहे वो मुन्ना भाई MBBS का जिम्मी शेरगिल का जो बेड वाला सीन हो, चाहे 3 इडियट का जो है अली फजल वाला हैंग वाला सीन हो, या फिर इस मूवी का जो है विक्की कौशल वाला मोमेंट हो। इस मूवी में जो है हर किसी एक्टर ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। इसके साथ ही इसका जो है म्यूजिक एंड BGM साउंड इसको जो है अलग लेवल पर ले जाता है। ओवरऑल कहें तो ये मूवी एक पूरी तरह फैमिली फ्रेंडली है, तो जाओ और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो कर दे लाइक एंड चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।